your classes also. So today is 15th of May and we are back with a new chapter and new concept of standard 11 mathematics, that is your NCERT. So the chapter name is Relations and Function. So that is the very second chapter, that is chapter number 2 of your NCERT CBSE. मतलब अगर आप लोग CBSE के बच्चे हों तो ये आप लोगों के लिए chapter 2 है. अगर आप लोग ICSE और स्टेट बोर्ड के बच्चे हो, सीएसएससी के बच्चों, तो दैट इज योर चैप्टर नंबर 1 आई थिंक ना, चैप्टर नंबर 2. तो द नेम ऑफ द चैप्टर इज रिलेशन एंड फंक्शन. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि आप लोगों को बहुत हेल्प करेगा आगे 12th क्लास के लिए भी, और बहुत सारा कॉन्सेप्ट रिलेट करता है रिलेशन फंक्शन के लिए. और पहला बात कि अगर आप लोग ये चैनल में नए हो तो पहले तो आप लोगों को नीचे में सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, इसको सब्सक्राइब कर दो ताकि जितना भी क्लासेस रहता है आप लोगों को नोटिफिकेशन बहुत जल्दी मिल जाएगा. और अगर पहले आप लोग ये वाला चैप्टर को देख रहे हो तो मैं सजेस्ट करूंगा कि पहले आप लोग सेट थ्योरी वाला चैप्टर को देखो, क्योंकि रिलेशन फंक्शन में आधा उसका कॉन्सेप्ट सेट थ्योरी से रिलेट कर रहा है. और अगर आप लोग सेट थ्योरी का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो तो रिलेशन फंक्शन में थोड़ा सा कन्फ्यूजन लग सकता है. मैं तो डिफाइन कर दूंगा हर एक टर्म को और एक बार, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा अगर आप लोग नहीं देखे हो सेट थ्योरी पहला चैप्टर, तो पहला चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट है मेरा, फिर हम चैप्टर 2 में आए, तो उसको पहले देख लो फिर रिलेशन फंक्शन में आओ, ठीक है. तो क्या क्या हम पढ़ेंगे वो तो हम चैप्टर में पढ़ेंगे. इसमें बहुत सारा कॉन्सेप्ट हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, कहाँ पे उसका प्रॉपर्टी क्या यूज होता है सब कुछ पढ़ेंगे. तो पूरा लास्ट तक अटेंड करेंगे क्लास को, तो ताकि एक क्लियर कट आइडिया आ जाएगा रिलेशन फंक्शन का, ताकि ये वाला कॉन्सेप्ट लेके आप लोग 11th का हर एक कॉन्सेप्ट और इसको रिलेट करके 12th में भी जो पढ़ेंगे हम रिलेशन फंक्शन, उसमें भी आप लोग बहुत ही अच्छे से परफॉर्म कर सकते हो. तो ज़्यादा देरी ना करके बच्चों क्लास को स्टार्ट करते हैं. ओके बच्चों, आ जाते हैं हम चैप्टर नंबर 2 में. हमारा जो कॉन्सेप्ट था, सो इन द प्रीवियस क्लासेस वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड अबाउट अवर चैप्टर नंबर 1. वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड वेरी नाइसली चैप्टर नंबर 1, दैट इज सेट थ्योरी. और सेट थ्योरी का हर एक कॉन्सेप्ट आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा बच्चों, क्योंकि सेट थ्योरी का अगर आप लोग कॉन्सेप्ट नहीं समझ रहे हो तो रिलेशन फंक्शन जो चैप्टर 2 है हमारा एनसीईआरटी का, मतलब CBSE का चैप्टर 2 जो है उसमें आप लोगों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है. तो आई प्रीफर अगर आप लोग अभी तक एनसीईआरटी मतलब सेट थ्योरी चैप्टर 1 आप कवर नहीं किए हो तो पहले उसको थोड़ा सा कवर कर लो, फिर आप लोग आके ये वाला क्लास को अटेंड करो, ठीक है. क्योंकि ये रिकॉर्डेड क्लास है तो आप लोग कभी भी चाहो तो देख सकते हो. बट अगर आप लोग को सेट थ्योरी का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आई थिंक कि ये वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा थोड़ा आप लोगों को कन्फ्यूजन कर सकता है, ठीक है. तो हम आते हैं बच्चा सर रिलेशन में. आज का जो टॉपिक है हमारा रिलेशन का, इंट्रोडक्शन टू रिलेशन है, जिसमें कि हम रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे. एक्चुअली में रिलेशन होता क्या है, कैसे हम एक रिलेशन को डिफाइन करते हैं, सेट में ये रिलेशन कहाँ पर डिफाइन होता है, सेट से हम एक सेट से दूसरा सेट को हम कैसे रिलेशन को डिफाइन करेंगे, सब कुछ आज के वाले क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है. तो पूरा लास्ट तक क्लास को अटेंड करेंगे ताकि क्लियर कट कॉन्सेप्ट आ जाएगा. क्योंकि ये जो रिलेशन एंड फंक्शन वाला कॉन्सेप्ट है ये बच्चा लोग आप लोगों का बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो जा रहा है आप लोगों का 11th के लिए एज वेल एज आप लोगों का 12th के लिए. अब आप लोगों का 11th का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है रिलेशन फंक्शन का, तो 12th में बहुत जगह में आप लोग कन्फ्यूज हो सकते हो. फंक्शन वाला ये तो आज रिलेशन है, नेक्स्ट वाला जो फंक्शन वाला कॉन्सेप्ट है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, ठीक है. इसलिए बहुत ही अच्छे से उसको कवर करेंगे ताकि कन्फ्यूजन नहीं होगा जैसे, ठीक है. तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 2 रिलेशन. तो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेशन, फर्स्ट वी हैव टू मतलब अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. दो टर्म का कॉन्सेप्ट है उसको पहले समझना है. द फर्स्ट टर्म इज योर ऑर्डर्ड पेयर. पहला जो टर्म है बच्चों वो है आप लोगों का ऑर्डर्ड पेयर. उसके लिए आप लोगों को सेट कॉन्सेप्ट बहुत ही जरूरी है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ. अगर आप लोगों को सेट कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है. तो पहले हम देख लेते हैं ये ऑर्डर्ड पेयर होता क्या है, ठीक है. सो ऑर्डर्ड पेयर जो बच्चा होता है, तो ऑर्डर्ड पेयर एक ऐसा है कुछ दो एलिमेंट को लेके क्रिएट किया जाता है ए बी, वेयर ए मस्ट बी बिलोंग्स टू द फर्स्ट सेट. मान लो हमारा ए बी सेट दोनों है, तो ए मस्ट बी बिलोंग्स टू फर्स्ट सेट एंड बी मस्ट बी बिलोंग्स टू द सेकेंड सेट, ठीक है. ए बी ऑर्डर पेयर अगर है, सपोज ए में कुछ एलिमेंट है, सपोज वन सेट इज ए इज देयर लाइक 1, 2, 3. देखो पहले से ही सेट का काम आ गया ना, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन ना हो के. अगर आप लोग सेट का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा कमज़ोर है आप लोगों का, मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है अभी तक सेट थ्योरी का, तो पहले मैं सजेस्ट करूँगा आप लोग सेट थ्योरी का कॉन्सेप्ट को पहले देख लो, ताकि आप लोगों को इसमें रिलेशन फंक्शन में ज़्यादा प्रॉब्लम ना फेस करना पड़े. तो ऑर्डर पेयर क्या होता है बच्चों, ऑर्डर पेयर को हम ए कोमा बी सिंपल ब्रैकेट के फॉर्मेट में रखते हैं, जहाँ पे कि अगर हमारा दो सेट है ए एंड बी, तो फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग्स टू द फर्स्ट सेट एंड द सेकेंड एलिमेंट बी बिलोंग्स टू द सेकेंड सेट, ठीक है. फर्स्ट सेट सेकेंड सेट के समझ लेना, जैसे कि मैंने पहले में ए को लिखा हूँ, सेकंड में बी को रखा हूँ, तो दैट इज योर फर्स्ट सेट, दैट इज योर सेकंड सेट. अगर मैं बी और ए को लिखता तो बी विल बी द फर्स्ट सेट एंड ए विल बी द सेकंड सेट, ठीक है. तो यहाँ पे हम कौन से एलिमेंट को ले सकते हैं, तो यहाँ पे आप लोग 1, 2, 3 को ही ले सकते हो.
मतलब ए में आप लोग 1.2 को ही रह सकते हो क्योंकि ए का एलिमेंट होना चाहिए, और इसमें कौन सा एलिमेंट ले सकते हो, आप लोग 4, 5 को ही रख सकते हो, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो ऑर्डर पे अगर हम फॉर्म करेंगे, यहाँ से एक सेट लेंगे, यहाँ पे एक एलिमेंट ढूंढेंगे 1, 4, ठीक है, यहाँ से अगर एलिमेंट लेंगे, यहाँ से एलिमेंट लेंगे 1, 5, फिर 2, अगर यहाँ से 2 लेंगे, वहाँ से 2, 4 ले रहे हैं, वहाँ से 2, 5 ले रहे हैं, ठीक है, या फिर हम 3, 4 ले रहे हैं, 3 यहाँ से 4 और 3, 5, ठीक है, ऐसे करके आप लोग बना सकते हो। सो दीज आर द पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स, ठीक है। सो दीज आर द बच्चों पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स, पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स। अभी तुम लोग बोलोगे सर ये तो आपने लिख दिया, क्या और कुछ पॉसिबल नहीं है, इतना ही क्या पॉसिबल हो सकता है, और कुछ पॉसिबल नहीं है? नहीं, और पॉसिबल नहीं हो सकता। फिर एक बेटा बोलेगा, बच्चा बोलेगा सर हम अगर 4, 1 लिख रहे तो क्या ये ऑर्डर्ड पेयर नहीं होगा, हम अगर 5, 3 लिख रहे तो क्या ये ऑर्डर्ड पेयर नहीं होगा, अगर सर हम 5, 1 लिख रहे क्या ये ऑर्डर्ड पेयर नहीं होगा, कि अगर सर हम 4, 3 लिख रहे क्या ये ऑर्डर्ड पेयर नहीं होगा, तो नहीं, मैं बोलूँगा कि नहीं बच्चों यह वाला ऑर्डर्ड पेयर नहीं होगा, ये पर्टिकुलर सेट के लिए, ये पर्टिकुलर सेट के लिए ऑर्डर्ड पेयर नहीं होगा, ठीक है। क्यों सर, क्यों, इसको भी तो हमने 4, 1 लिखा है, ब्रैकेट दिया है, सिंपल ब्रैकेट दिया है, आपने भी तो ऐसा लिखा है, लेकिन मैंने मेंशन किया है कि तो पहला एलिमेंट होना चाहिए, वो पहला सेट को बिलोंग्स करना चाहिए, सेकंड एलिमेंट है जो होना चाहिए वो सेकंड सेट को बिलोंग्स करना चाहिए। तो जब यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं तो 4 जो है बच्चों हमारा, ये जो 4 है ये हमारा पहला सेट को बिलोंग्स नहीं कर रहा है, और 1 जो है वो सेकंड सेट को बिलोंग्स नहीं कर रहा है, ठीक है, क्योंकि 4 हमारा बी सेट को बिलोंग्स कर रहा है, और ये तो ये हमारा बी हो गया, ये हमारा ए सेट में हो गया, तो ये देखो बी सेट और ए सेट का हो गया, 4, 5, 5, 4 ये सब बी सेट का है, 1, 3, 1, 3 सब ए सेट का है, तो इसमें क्या हो गया ना, पहला सेट अगर हम बी लेते और दूसरा सेट अगर हमें लेते, जैसे कि मैं अगर यहाँ पे ऐसे डिफाइन करता कि बी इक्वल टू 4, 5 और ए इक्वल टू 1, 2, 3, अगर मैं ऐसा दोनों सेट को ये वाला के लिए डिफाइन करता, ठीक है, तो हम बोल पाते कि हाँ ये ऑर्डर्ड पेयर होगा, ये सेट के लिए ऑर्डर्ड पेयर हो रहा है, देखो 4, 5, 4 फर्स्ट सेट, 5 फर्स्ट 5 फर्स्ट 4 फर्स्ट, तो ये सब फर्स्ट सेट को बिलोंग्स करें, ये सब सेकंड सेट को बिलोंग्स करें, तो फॉर दैट सेट मतलब बी और ए अगर ऐसा हम लेते तो हम बोलते कि ये ऑर्डर्ड पेयर है, बट ए बी अगर ले रहे हैं तो उसके लिए ये वाला ऑर्डर्ड पेयर नहीं है, ठीक है ना। तो क्यों ऐसा नहीं है, क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर में ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट, तो एज द नेम सजेस्ट ऑर्डर, तो बच्चों ऑर्डर्ड में बोला है मतलब ऑर्डर तो इंपॉर्टेंट होगा ही ना, जैसे सेट में हम बोल सकते हैं ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोग 1, 2, 3 लिखो, 3, 2, 1 लिखो, 2, 1, 3 लिखो, उसका ऑर्डर मैटर नहीं करता, बट ऑर्डर्ड पेयर जब हम पढ़ रहे हैं ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऑर्डर यहाँ पे अगर आप लोग इंपॉर्टेंट नहीं कर रहे हो तो सेट बदल जाएगा, तो ऑर्डर्ड पेयर जब आप लोग लिख रहे हो तो वहाँ पे कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे, द फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग्स टू द फर्स्ट सेट एंड द सेकंड एलिमेंट बिलोंग्स टू द सेकंड सेट, ये वाला याद रखना आप लोग कि फर्स्ट एलिमेंट जो होना चाहिए वो बिलोंग्स करना चाहिए फर्स्ट सेट को। तो हमने यहाँ पे ए बी लिया है, कोई बच्चा सी डी लेके भी कर सकता है, इसलिए मैं सेट को मेंशन नहीं कर रहा क्योंकि ए बी ही हमेशा लेंगे बोल के कुछ मतलब नहीं है, हम सी डी ले सकते हैं, पी क्यू ले सकते हैं, तो मैंने ऐसे इसको ऐसा लिख दिया कि फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग्स टू फर्स्ट सेट होना चाहिए और सेकंड एलिमेंट बिलोंग्स टू सेकंड सेट होना चाहिए बच्चों, ठीक है। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। उसको अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहें, ठीक है, ग्राफ में रिप्रेजेंट करना चाहें, मैं आप लोगों को बोलूंगा 1, 2 रिप्रेजेंट करके दिखाओ, 1, 2, तो 1, 2 बच्चों कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा 1, 2। अगर मैं आप लोग बोलूँ 2, 1 रिप्रेजेंट करके दिखाओ, तो 2, 1 कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा 2, 1। ग्राफिकली जब हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो क्या ये 1, 2 और 2, 1 पॉसिबल होगा, सेम होना कभी भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऑर्डर मैटर करता है, ठीक है ना। तो 1, 2 एंड 2, 1 कभी भी पॉसिबल नहीं है कि सेम हो सकता है। तो यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर के लिए आप लोगों को ऑर्डर बहुत मैटर कर रहा है, दैट्स वाई ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट एलिमेंट जो होना चाहिए वो फर्स्ट सेट को बिलोंग्स करना चाहिए और सेकंड एलिमेंट जो होना चाहिए बच्चों वो सेकंड सेट को बिलोंग्स करना चाहिए, तभी जाके हम उसको ऑर्डर्ड पेयर बोलेंगे। अगर ऑर्डर सेम नहीं हो रहा, मतलब पहला सेट में बिलोंग्स नहीं कर रहा और सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट को बिलोंग्स नहीं कर रहा, इन दैट केस वी कैन नॉट से दैट इट इज ए ऑर्डर्ड पेयर। इज दैट क्लियर बच्चों? सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर बच्चों। इज दैट डन? बहुत ही अच्छे से कवर हो गया। अभी जो सेकेंड टर्म आता है, जो कि आप लोगों को रिलेशंस को जानने से पहले ध्यान से समझना है, दैट इज योर कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट फर्स्ट जो टर्म था वो ऑर्डर्ड पेयर था, सेकेंड वन इज योर बच्चों की क्या, कार्टेशियन प्रोडक्ट। देखो ये सब नया टर्म है हमारे लिए, तो इसलिए समझना बहुत जरूरी हो जाता है। अगर आप लोग नहीं समझोगे तो बहुत कंफ्यूजन लगेगा जब आप लोग रिलेशन को डिफाइन करोगे।
तो इसके लिए लेसन को जाने से पहले ये दोनों टर्म पूरा परफेक्टली आप लोग को समझना है। अगर आप लोग नहीं समझ रहे हो तो कहीं ना कहीं रिलेशन में आप लोगों को कन्फ्यूजन लग सकता है, तो उससे अच्छा है कि हम समझ के जाएंगे तो कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा हम लोग। तो पहले तो हमने सीख लिया कि ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। अभी कार्टेशियन प्रोडक्ट बच्चों क्या होता है, कि कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम कैसे डिफाइन करेंगे, कि इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, अगर ए बी दो सेट्स हुआ, देन इट्स कार्टेशियन प्रोडक्ट, देन इट्स कार्टेशियन प्रोडक्ट विल बी डिफाइंड बाय ए सेट हैविंग ऑल द पॉसिबल ऑर्डर पेयर, हैविंग ऑल द पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर। ध्यान से देखो क्या लिखा, मैं समझो, समझने का ट्राई करो बच्चों, समझने का ट्राई करो, ठीक है। मैं बोला कि अगर ए बी, मैं यहाँ पे ए बी दोनों सेट को डिफाइन कर लिया पहले से यहाँ पे, और हम फर्स्ट सेट सेकंड सेट नहीं लेते हम, मैंने पूरा डिफाइन कर दिया कि अगर ए एंड बी आर टू सेट्स, अगर ए और बी दो सेट है, देन इट्स कार्टेशियन प्रोडक्ट, उसका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट हम कैसे डिफाइन करेंगे, सो इट्स कार्टेशियन प्रोडक्ट विल बी डिफाइंड बाय अ सेट, एक और एक सेट से डिफाइंड किया जाएगा, हैविंग ऑल द पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर फ्रॉम दीज टू सेट्स। इसको भी डिफाइन कर देते हैं कि इसका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, ऑल द पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर फ्रॉम दीज टू सेट्स, तो वो दोनों सेट से जितना भी पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर हम बना सकते हैं उनका सेट को, एक ऐसा सेट जिसमें कि ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर होगा, मतलब ऑर्डर्ड पेयर का एक हम सेट बनाएंगे, तो वो ऑर्डर्ड पेयर का जो सेट बनेगा दैट इज कॉल्ड द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ दीज टू सेट, दैट इज ए क्रॉस बी। सो इट इज डिनोटेड बाय, इसको हम डिनोट कैसे करते हैं बच्चा, इट इज डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी, और यू कैन से ए बाय बी, और ए क्रॉस बी यू कैन से, एंड दैट इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, और यू कैन रीड एज कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, और यू कैन से ए क्रॉस बी। इज दैट क्लियर? तो जहां पे ऐसा ए क्रॉस बी लिखा होगा या फिर बोला होगा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी बोला होगा, उसको समझना कि वो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट को डिनोट किया जा रहा है, और उसका मतलब क्या है, हम ऐसा एक सेट को फॉर्म करेंगे जिसमें कि ऑल द पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर वहां पे रहना चाहिए। देखो बच्चों यहां पे जैसे मैं तुम लोगों को समझा रहा था, जब ए बी दो सेट था तो उसका ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर क्या होता है, इतना लिखे थे ना पॉसिबल ऑर्डर पेयर, तो ये जो पॉसिबल ऑर्डर पेयर हमने लिखा इसका अगर हम सेट बना देंगे, सेट कैसे बनाएंगे, फिर सेट थ्योरी हमने पढ़ा है, एलिमेंट्स को रखो, कॉमा दे दो और कर्ली ब्रैकेट दे दो, देन इट विल बिकम ए सेट, और रिपीटेशन को अलाउ नहीं करना है हमको, मतलब रिपीट नहीं करना है एलिमेंट्स को, तो वो सेट बन जाएगा। वैसे ही पहले हमको ऑर्डर्ड पेयर के लिए पहले हमको ऑल द पॉसिबल क्या लिखना है बच्चों, और मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए पहले हमको ऑल द पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स को लिखना है, फिर उसको सेट में कन्वर्ट कर देना है। फॉर एग्जाम्पल लेट ए इक्वल टू मैंने लिखा 1, 2, ठीक है, b इक्वल टू मैं लिख रहा हूँ 3, 4। ध्यान से देखो पहला सेट हमारा हो गया a इक्वल टू 1, 2, पहला सेट ये हमारा हो गया, दूसरा सेट b को हमने डिफाइन किया 3, 4, ठीक है। इसमें हमको ऑर्डर ए क्रॉस b निकालना है, बच्चों, ठीक है, ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट, फर्स्ट सेट है हमारा a, सेकंड सेट है हमारा b। मैंने बोल दिया आप लोगों की ऑर्डर पेयर बहुत ही मैटर करता है, तो a क्रॉस b जब हम डिफाइन कर रहे हैं बच्चों, तो सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर को हमको लिखना है। तो पहले कैसे लेना है, हर पहला एलिमेंट हमारा ए से होना चाहिए, हर दूसरा एलिमेंट हमारा बी से होना चाहिए, क्योंकि ऑर्डर पेयर हमने सीखा वहां पे कि फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग्स टू फर्स्ट सेट, सेकंड एलिमेंट बिलोंग्स टू सेकंड सेट होना चाहिए, हमेशा होना चाहिए, तभी जाके हम डिफाइन कर पाएंगे। तो देखो पहला एलिमेंट में 1 ले रहा हूँ, पहला एलिमेंट में कितना ले रहा हूँ 1, दूसरा एलिमेंट में 3 ले रहा हूँ, ये एक ऑर्डर पेयर, तो 1 को पहले काम खत्म कर लेते हैं, तो 1, 3, 1 हो गया, फिर देखो मैं कॉमा नहीं दिया हूँ अभी, पहले मैं लिख देता हूँ, तो 1, 4, 1 लिख सकते हैं, तो 1 का हो गया, 1 के साथ और कोई नहीं हो सकता, फिर 2 का लिखेंगे तो 2, 3, 1 हो सकता है, और एक क्या बना सकते हैं 2, 4, 1 बना सकते हैं, ठीक है।
तो ये तो ऑर्डर पे लिख लिया, उसको हमको सेट बना रहे हैं, तो कॉमा दे दो, कर्ली ब्रैकेट दे दो, और हम चेक भी कर लिए कि कोई भी रिपीट नहीं कर रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि ए क्रॉस बी जो हमारा हो गया, पहले हमने ऑर्डर पॉसिबल ऑर्डर पे लिखा 1314 2324, उसका लिखने का भी प्रोसेस क्या है, ऐसा तैसे आप लोग नहीं लिख सकते, लिख सकते हो लेकिन कंफ्यूज हो जाओगे, तो उसके लिए फॉर्मेट में करोगे तो ज्यादा, सिक्वेंस में करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। पहले वन लिखा मैंने, वन का काम कर लेते, वन के साथ थ्री, वन के साथ फोर, क्योंकि हर एक एलिमेंट पहला का ए को बिलोंग्स करना चाहिए, हर एक एलिमेंट सेकंड का बी को बिलोंग्स करना चाहिए। देखो 1 1 2 2, पहला एलिमेंट सब ए से बिलोंग्स कर रहे हैं, 3 4 3 4, सेकंड एलिमेंट सब बी से बिलोंग्स कर रहा है, तो कैसे सीक्वेंस में करेंगे, पहले ए को लिखेंगे, एक एलिमेंट यदि 1, 1 का सबके साथ कर लेंगे तो 1 3 1 4 हो गया, फिर 2 को लिखेंगे तो 2 3 2 4 हो गया, ठीक है, और कुछ पॉसिबल नहीं हो सकता। तुम लोग बोलोगे सर 3, 2 हम लिख सकते हैं क्या, नहीं लिख सकते बेटा, क्योंकि 3 बी से आ रहा है, बी से आ रहा है, ए 2 ए से आ रहा है, तो ये हम नहीं लिख सकते, ए क्रॉस बी में हम नहीं लिख सकते इसको, ठीक है ना। तो ऑल पॉसिबल हमने ऑर्डर पेयर लिख लिया, उसको हमको क्या बनाना था, सेट बनाना था ना, क्योंकि वो बोला था सेट हैविंग ऑल द पॉसिबल ऑर्डर पेयर, तो हमने सेट बनाने के लिए मैंने कॉमा दे दिया, कर्ली ब्रैकेट दे दिया, कोई भी रिपीटेशन अलाउड नहीं है यहाँ पे। सो ए क्रॉस बी जो हमारा हुआ, ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने किया बी के साथ, सो दैट विल बी गिवन बाय 1 1 3 ऑर्डर पेयर, 2 4 ऑर्डर पेयर, 2 3 ऑर्डर पेयर एंड 2 4 ऑर्डर पेयर, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब एक एक एलिमेंट के तरह कंसिडर किया जा रहा है, सेट में हमने समझा था ना, और ये सब एक, अगर आप लोगों को पूछा जाए कि कार्डिनलिटी, हमने बोला था ना कार्डिनलिटी एक निकाल रहे थे, n ऑफ a n ऑफ b, तो अगर मैं पूछूं आप लोगों को यहाँ पे कितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो आप लोगों को बोलना पड़ेगा 4 नंबर ऑफ एलिमेंट, ऐसे ही, तो सर यहाँ पे तो 8 दिख रहा है, 1 3 1 4 ऐसे अकाउंट करेंगे तो 8 एलिमेंट्स आर देयर, बट नो, यहाँ पे एक ऑर्डर्ड पेयर को हम एक एलिमेंट की तरह कंसिडर कर रहे हैं, तो 1 3 एक एलिमेंट, 1 4 एक एलिमेंट, 2 3 एक एलिमेंट, 2 4 एक एलिमेंट, तो टोटल 4 नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर देयर, ठीक है। तो अगर आप लोगों को मैं यहाँ पे पूछूं एन ऑफ ए क्रॉस बी कितना होगा, एन ऑफ ए क्रॉस बी दैट मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, सो द एन ऑफ ए क्रॉस बी विल बी 4 नॉट 8, ये बच्चा लोग ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, इसमें बच्चे बहुत बार रॉन्ग भी कर लेते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर बच्चों सबका, ये हो गया बच्चों आप लोगों का क्या, ए क्रॉस बी वाला कॉन्सेप्ट। अगर मैं आप लोगों को बोलूं बच्चों बी क्रॉस ए निकाल के दिखाओ, बी क्रॉस ए जब हम निकालेंगे बच्चों, तो हम क्या करेंगे, बी को पहला सेट मानेंगे, ए को दूसरा सेट मानेंगे, क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो बी अभी पहला सेट आ गया, ए अभी हमारा दूसरा सेट आ गया, तो पहला एलिमेंट जो लेंगे हम बी सेट से लेंगे, दूसरा एलिमेंट जो लेंगे हम ए सेट से लेंगे। तो बी का पहला एलिमेंट हम रखते हैं, तो पहले लिखेंगे 3 के साथ सबको कर लो, ए का 3 1 हो गया, फिर 3 2 हो गया, 3 का काम खत्म, फिर 4 का रखेंगे, 4 1 हो गया, 4 2 हो गया, इज दैट क्लियर बच्चों। देखो यहाँ पे 3 3 4 4, पहला एलिमेंट सब कुछ बी से डिनोट हो रहा है, बिलोंग्स कर रहा है, दूसरा एलिमेंट 1 2 1 2 सब ए से बिलोंग्स कर रहा है, उसका सेट बनाना है तो कॉमा दे दो, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट दे दो, तो हो गया बी क्रॉस है, डन बच्चों। तो ए क्रॉस बी हमने डिफाइन कर दिया बहुत ही अच्छे से, बी क्रॉस ए भी हमने डिफाइन कर दिया बहुत ही अच्छे से, बट द ओनली डिफरेंस इज इन ए क्रॉस बी जो पहला एलिमेंट सब रहना चाहिए, सब कुछ ए से डिफाइन होना चाहिए, बट इन बी क्रॉस ए सब जो पहला एलिमेंट होना चाहिए इसको बी से डिफाइन करना है और दूसरा एलिमेंट को ए से डिफाइन करना है, दैट इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन ए क्रॉस बी इन बी क्रॉस ए, एंड इन दैट केस ऑर्डर्ड पेयर प्लेज अ वाइटल रोल, ऑर्डर पेयर बहुत ही वाइटल रोल प्ले कर रहा है यहाँ पे डिफाइन करने के लिए, दैट्स व्हाई मैंने पहले ऑर्डर पेयर को आप लोगों को समझाया, ये वाला कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझाया ताकि कंफ्यूजन नहीं होगा कि जब भी हम ऑर्डर पेयर निकालेंगे तो ऑर्डर पेयर में जो पहला एलिमेंट होना चाहिए वो पहला सेट को बिलोंग्स करेगा और उसका जो दूसरा एलिमेंट होना चाहिए वो दूसरा सेट को बिलोंग्स करेगा। आई थिंक इतना तक बच्चों सबका क्लियर। और अगर यहाँ पे भी अगर मैं आप लोगों को पूछूं एन ऑफ बी क्रॉस ए कितना होगा, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी क्रॉस ए, तो आप लोगों का हो जाएगा 4, क्योंकि यहाँ पे भी हम लोग ऑर्डर पेयर को एक एक एलिमेंट की तरह कंसिडर, तो 1 2 3 4, यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज मत होना कि सर यहाँ पे तो 8 एलिमेंट दिख रहा है हमको, नहीं, ऑर्डर पेयर को हम एक एक एलिमेंट की तरह कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि उसी का सेट हम बनाए हैं, तो ऑब्वियसली उसी के सेट में जो जो रहता है उसको पर्टिकुलर को हम एलिमेंट्स बोलते हैं, ठीक है बच्चों। सो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर पेयर एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट, आई होप कि बहुत ही अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गया होगा।
अगर अभी तक समझ में नहीं आए, आई सजेस्ट कि आप लोग पहले पॉज करके फिर से स्टार्टिंग से चेक करो और एक बार समझो, क्योंकि रिलेशन में जाने से पहले ये दोनों कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से क्लियर होना पड़ेगा। अगर आप लोग को ये दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहे तो आई थिंक कि रिलेशन में आप लोगों को कन्फ्यूजन हो सकता है कहीं कहीं पर, ठीक है। देन आई थिंक अगर इतना तक आप लोगों का बहुत ही अच्छे से कवर हो गया, देन पॉज द वीडियो और जितना भी नोट्स यहाँ पे लिखाया गया है थोड़ा सा आप लोगों की कॉपी में नोट डाउन कर लो, जो कि हेल्प करेगा आप लोगों को रिवाइज के टाइम में, ठीक है ना बच्चों। देन पॉज द वीडियो एंड जितना भी लिखना है उसको थोड़ा नोट डाउन कर लो। ओके बच्चों, अभी आते हैं हम हमारे मेन टॉपिक पे, दैट इज इंट्रोडक्शन टू रिलेशन। अभी हम रिलेशन को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे उसका। अभी तक हमने जो पढ़ रहे थे, हम उसका बेसिक टर्म्स पढ़ रहे थे जो कि रिलेट करता है हमारा रिलेशन के साथ, बट अभी हम इंट्रोडक्शन टू रिलेशन पढ़ेंगे, जहाँ पे कि हम इंट्रोडक्शन टू रिलेशन मतलब रिलेशन क्या होता है अभी हम समझेंगे, ठीक है। और जो रिलेशन होता है बच्चों, उसको हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। सो हम लिखेंगे अभी, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, अगर ए एंड बी आर टू सेट्स हुआ, देन आर इज डिफाइंड बाय, आर इज डिफाइंड बाय द रिलेशन, आर इज डिफाइंड बाय द रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी, उसको लिखते कैसे है बच्चों, आर सच दैट फ्रॉम ए टू बी, इसका नोटेशन है कि आर इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ऐसे हम लिखते हैं, या फिर और हम ऐसे भी लिखते हैं उसको, ए आर बी करके भी लिखते हैं, मतलब ए रिलेशनशिप विद बी, ए आर बी, ए रिलेशनशिप विद बी, या फिर उसको ऐसे भी लिखते हैं, आर सच दैट फ्रॉम ए टू बी। कब बोलेंगे, इफ वो जो आर होगा बच्चों, जो आर जो होगा, दैट मस्ट बी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो जाएगी, और बच्चों एक बार आप लोग रिलेशन समझ जाओगे ना, तो सबसे इजी कॉन्सेप्ट आप लोग को रिलेशन ही करना लगेगा, और जब तक आप लोग नहीं समझ रहे हो सबसे कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट रिलेशन होगा, ठीक है। तो वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप लोग कितना समझ रहे हो और कितना उसको एग्जीक्यूट कर रहे हो। ध्यान से समझो, मैं बीट बाई बीट समझा रहा हूँ, इसलिए पूरा ध्यान से उसको समझो कि क्या एक्चुअली उसका मतलब है और हम कहाँ पर उसको यूज कर सकते हैं। मैंने बोला इंट्रोडक्शन टू रिलेशन में कि अगर ए एंड बी आर टू सेट्स, अगर ए और बी दो सेट्स हैं, तो आर को हम डिफाइन करेंगे उसका रिलेशन, मतलब आर को हम कब बोलेंगे कि इट इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। सो आर इज डिफाइंड बाय द रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, कब हम डिफाइन करेंगे उसको, लिखते कैसे हैं, आर सच दैट फ्रॉम ए टू बी और ए आर बी भी कहीं कहीं पे लिखते हैं, कब बोलेंगे। अभी तक हमने बोला नहीं है, हम बोलेंगे जब इफ आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, जो आर हमको दिया रहेगा, रिलेशन दिया रहेगा, दैट मस्ट बी द सबसेट। ये किसका सिंबल है बच्चों, सबसेट का ना, इसीलिए देखो हर एक टर्म में आप लोगों के सेट को रिलेट कर रहा है, हर एक टर्म में आप लोगों का सेट्स के साथ रिलेशन रख रहा है वो, क्योंकि देखो कहाँ पे सेट हो रहा है, कहाँ पे सबसेट हो रहा है, सब कुछ सेट से रिलेट कर रहा है। इसीलिए मैं बोला कि रिलेशन फंक्शन पढ़ने से पहले आप लोगों को सेट थ्योरी पूरा कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना है, ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होगा कहीं पे कि आप लोग रिलेशन पढ़ रहे होगे फिर सेट का पता नहीं होगा आप लोग, तो इसीलिए सेट थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अगर नहीं देखे हो तो मैं फिर भी बता दे रहा हूँ, लेकिन अगर देख के आओगे तो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा आप लोगों के लिए। तो R मस्ट बी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, सबसेट का मतलब अभी क्या होता है, हमने सबसेट में क्या पढ़ा था, एक सेट को हम B सेट का सबसेट कब बोलेंगे, मतलब A को हम B का सबसेट कब बोलेंगे, जबकि A का हर एक एलिमेंट B में प्रेजेंट रहना चाहिए, A का हर एक एलिमेंट B में प्रेजेंट होना चाहिए। तो R को हम सबसेट ऑफ A क्रॉस B कब बोलेंगे, ऑब्वियसली R का हर एक एलिमेंट, तो ये तो ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में रहेगा ना, तो R का हर एक ऑर्डर्ड पेयर A क्रॉस B में बिलोंग्स करना चाहिए, ठीक है। R का हर एक ऑर्डर्ड पेयर या फिर हर एक एलिमेंट A क्रॉस B में प्रेजेंट रहना चाहिए। तो A क्रॉस B कहाँ से मिलेगा, क्योंकि A और B डिफाइन होगा, तो पहले हमको A क्रॉस B को डिफाइन करना पड़ेगा वो AB से, जो कि हमने सीखा। और वो जो R दिया होगा क्वेश्चन में, वो अगर A क्रॉस B का एक सबसेट हो गया, मतलब R का हर एक एलिमेंट अगर A क्रॉस B में प्रेजेंट हो गया, तो हम वो पर्टिकुलर R को क्या बोलेंगे, रिलेशन बोलेंगे फ्रॉम सेट A टू सेट B। इज दैट क्लियर, वेरी गुड। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल में आते हैं, तो ताकि ज़्यादा क्लियरली हम लोग समझ सकें कि एक्चुअली में क्या होता है और हम कैसे उसको डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है ना। ध्यान से देखो, फॉर एन एग्जाम्पल मैंने एक सेट लिया ए
that is 1, 2, and RX set layer B, that is 3, 4. छोटा छोटा सेट लेते हैं बच्चों, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट तो मैंने बता दिया था, A क्रॉस B कैसे निकालते हैं, B क्रॉस A कैसे निकालते हैं, और R एक रिलेशन दिया है, R एक मतलब सेट दिया है, रिलेशन तो नहीं बोल सकता मैं, एक सेट दिया है जो कि है 1, 3, मैं तीन ले जाता हूँ, R1, R2, R3, और हम देखते हैं, चेक करते हैं कि कौन सा एक्चुअली में रिलेशन हो रहा है, कौन सा एक्चुअली में रिलेशन नहीं हो रहा है। R1, R2, R3, यहाँ पे मैंने ले लिया 1, 3, 1, 4, ये R1 का है। R2 का मैंने ले लिया 1, 2, 2, 3, 3, 4। हमने अभी तक रिलेशन डिफाइन नहीं किया, बट हम बस ऑर्डर पेयर के फॉर्मेट में लिख लिया, फिर हम चेक करेंगे कि वो A क्रॉस B का सबसेट हो रहा है कि नहीं। यहाँ पे हमने लिखा 1, 3, 1, 4, 2, 3, 3, 4, ठीक है। देखो मैंने तीन रिलेशन मैं नहीं बोलूंगा, अभी के लिए रिलेशन नहीं बोलूंगा, क्योंकि अभी तक हमने डिफाइन नहीं किया कि वो रिलेशन हो रहा है कि नहीं। तो मैं तीन सेट के फॉर्मेट में लिख रहा हूँ, R1, R2, R3, फिर हम चेक करेंगे, चेक करने के बाद ही हम डिफाइन करेंगे कौन सा रिलेशन हो रहा है, कौन सा रिलेशन नहीं हो रहा है, ठीक है बच्चों। तो A और R1, R2, R3 हमको चेक करना है कि व्हिच वन इज रिलेशन एंड व्हिच वन इज नॉट, ठीक है। तो चेक करने के लिए पहले तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, A क्रॉस B निकालना पड़ेगा। ऑब्वियसली A क्रॉस B नहीं निकालेंगे तो चेक कैसे करेंगे कि वो रिलेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो A क्रॉस B मैंने बोला था आप लोगों को कैसे करते हैं, पहले सेट से पहले 1 को उठाओ, फिर और A क्रॉस B बोला है मतलब हर एक एलिमेंट, पहला एलिमेंट A से बिलोंग्स करना चाहिए, हर एक दूसरा एलिमेंट B से बिलोंग्स करना चाहिए। तो पहले 1 का उठाओ, तो 1 को 3 के साथ एक बार कर लो, 1 को 4 के साथ एक बार कर लो, 1 का कहानी खत्म। फिर 2 को करो, 2 को 3 के साथ कर लो, 2 को 4 के साथ कर लो, 2 का कहानी खत्म, डन बच्चों। यहाँ पे 2, 4 ले जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों हम लोगों का क्या, A क्रॉस B। तो इसको जज करके, इसको रिलेट करके, इसको कंपेयर करके हम वो जो R1, R2, R3 दिया है उसको चेक करेंगे कि whether R1 और R2 और R3 will be the relation from A to B or not। तो कॉन्सेप्ट क्या है, मैंने यहाँ पे आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझा दिया था कि अगर उसको रिलेशन बनना है, अगर उसको रिलेशन बनना है उसको ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना पड़ेगा। क्या प्रॉपर्टी, जो भी R होना चाहिए वो A क्रॉस B का एक सबसेट होना चाहिए। तो चेक करते हैं कि जो R1 है वो हो रहा है सबसेट कि नहीं, R2 है वो हो रहा है कि नहीं, R3 है वो हो रहा है कि नहीं। पहले मैं R1 को लेता हूँ, R1 में कितना दिया है 1, 3, 1, 4। तो देखो जब हम चेक करेंगे मतलब हर एक एलिमेंट R1 का A क्रॉस B में प्रेजेंट होना चाहिए। एलिमेंट मतलब यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर का फॉर्मेट, मैंने बोला ना यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्मेट में रहेगा क्योंकि एलिमेंट यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्मेट में है। तो हमको चेक करके देखना है कि हर एक एलिमेंट R1 का A क्रॉस B में हो रहा है कि नहीं। चेक करो, यहाँ पे 1, 3 था, यहाँ पे 1, 3 है, यहाँ पे 1, 4 था, यहाँ पे 1, 4 है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं ये जो R1 है इसका हर एक एलिमेंट किससे बिलोंग्स कर रहा है, A क्रॉस B से बिलोंग्स कर रहा है। तो R1 जो है वो A क्रॉस B का एक क्या हो रहा है, सबसेट बन रहा है। R1 जो था वो A क्रॉस B का एक सबसेट बन रहा है। तो हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं R1 इज द रिलेशन फ्रॉम A टू B, डन बच्चों, हो गया। बहुत ही सिंपल सा था कि R1 को अगर रिलेशन बनना है तो R1 का हर एक एलिमेंट A क्रॉस B में बिलोंग्स करना पड़ेगा। तो R1 में जो एलिमेंट था हमारा 1, 3 वो ऑलरेडी A क्रॉस B में है, R1 में जो 1, 4 था वो भी A क्रॉस B में है। तो R1 का हर एक एलिमेंट A क्रॉस B को एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम लिख सकते हैं R1 जो था वो सबसेट ऑफ A क्रॉस B हो गया। ये सबसेट का सिंबल है, ठीक है, दैट इज द सिंबल ऑफ सबसेट, सी जैसा जो लिखते हैं, ठीक है। और ये इम्प्रॉपर सबसेट है, ठीक है ना, इम्प्रॉपर सबसेट, क्योंकि इसका जो एलिमेंट है इससे लेस है। इम्प्रॉपर प्रॉपर भी हमने सबसेट में पढ़ा था। इम्प्रॉपर का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट मस्ट बी लेस देन नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेकंड सेट, और या फिर ऐसे भी बोल सकते कि A इज नॉट इक्वल टू बी, मतलब ये और ये सेम नहीं हो रहा है, तो ये इम्प्रॉपर हो गया। लेकिन अगर इसका सारा एलिमेंट इसमें सेम हो जाता तो प्रॉपर इम्प्रॉपर सबसेट बन जाता, ठीक है, इसके लिए प्रॉपर सबसेट है। तो R1 इज द रिलेशन फ्रॉम, सॉरी मैंने प्रॉपर बोल दिया था सर, तो ये इम्प्रॉपर बोल दिया था, ये प्रॉपर सबसेट है, ठीक है। तो R1 इज द रिलेशन फ्रॉम A टू B, R1 हमारा रिलेशन हो गया। अभी R2 को चेक करते हैं क्या R2 भी हमारा रिलेशन हो रहा है कि नहीं। R2 में क्या क्या है पहले लिख लेते हैं, 1, 2 है, 2, 3 है,
तो मैं लिखने लिखने तक आप लोग चेक कर लो कि वो एक्रॉस बी में प्रेजेंट हो रहा है कि नहीं। मुझे तो जितना दिख रहा है वो कि नहीं हो रहा है। देखो 1.2 आ रहा है यहाँ पे, कहीं 1.2 है ही नहीं, तो 1.2 नहीं है। 2.3 2.3 है, 3.4 3.4 भी नहीं है, ठीक है। सो अगर एक भी एलिमेंट नहीं रहा तो वो हमको सबसेट नहीं बोला जाता ना, तो इट इज नॉट द सबसेट ऑफ एक्रॉस बी, सीधा था, ठीक है। सीधा बात हम लिखेंगे और ज़्यादा उल्टा टेढ़ा मेढ़ा नहीं लिखते हैं, हम सीधा ही लिखते हैं कि यहाँ पे ये दोनों एलिमेंट ही प्रेजेंट नहीं हो रहे एक्रॉस बी में। तो अगर दोनों क्या, अगर एक भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होगा तो उसको हम सबसेट नहीं बोलते। तो सिंस ये दोनों एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, मतलब वो क्या हो गया, सबसेट नहीं हुआ। और अगर ये सबसेट नहीं हुआ सो आर टू इज नॉट द रिलेशन, आर टू इज नॉट द रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, सिंपल। इज दैट क्लियर बच्चों? That is the basic concept. That is the basic concept by using which we can just identify or we can check whether one set is a relation from another one, A set to B set or not. R3 का क्या है बच्चों, लिख लेते हैं। मैं जब तक लिख रहा हूँ आप लोग चेक करो कि इसका हर एक एलिमेंट एक क्रॉस बी में है कि नहीं। मुझे जो दिखना दिख रहा है कि होगा शायद 2-3, लास्ट एलिमेंट हो 2-4। मैं पहले गलती से 3-4 लिख दिया था, मैंने चेंज कर लिया, हाँ 2-4 कर दिया। अभी आप लोग चेक करो R3 का हर एक एलिमेंट यहाँ पे प्रेजेंट है कि नहीं, चेक कर लो बच्चों। 1-3 है, 1-4 है, ठीक है, 1-3 है, 1-4 है, 2-3 है, 2-4 भी बच्चों है, चेक करो। तो हर एक एलिमेंट यहाँ पे जो एलिमेंट था यहाँ पे पूरा सेम एलिमेंट हो गया, तो इसका सेट का हर एक एलिमेंट इसमें हो रहा है, तो यहाँ पे ये इम्प्रॉपर सबसेट हो गया। इम्प्रॉपर सबसेट में क्या होता था, दोनों सेट का सेम हो जाते, यहाँ पे 1-3-1-4 2-3-2-4, यहाँ पे भी 1-3-1-4 2-3-2-4, तो पूरा इम्प्रॉपर सबसेट। दैट्स व्हाई सबसेट इक्वल तो लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया था ना सबसेट, मतलब इट मे बी इम्प्रॉपर इट मे बी ए प्रॉपर सबसेट। तो अगर ये टोटली एक्रॉस बी का सबसेट हो गया तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, R3 is the relation from A to B. Is that very much clear बच्चों to everyone? I hope इतना clearly समझाने के बाद कोई भी बच्चा अगर देखेगा तो बहुत ही आसानी से समझ जाएगा, अगर वो समझ रहा है पहले से, ठीक है ना। और जिसको तो नहीं समझ रहा है वो तो नहीं समझेगा ऑब्वियसली जितना समझाने से भी, बट जो बच्चा समझ रहा है आई होप कि इतना तक सबका पूरा अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। इंट्रोडक्शन टू रिलेशन में हमने यही पढ़ना था कि एक रिलेशन को हम कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं बच्चों कि एक रिलेशन में हम कैसे जानेंगे कि वो एक ए सेट से बी सेट को रिलेट कर रहा है, और हम उसको दिस इज द नोटेशन, ठीक है, ये सब नोटेशन होता है, बट हमको डिफाइन पहले करना है ना कि वो रिलेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो वो हो रहा है या नहीं हो रहा है चेक करने के लिए उसका सिंपलेस्ट कॉन्सेप्ट क्या है कि जो भी हम रिलेशन को डिफाइन कर रहे हैं दैट मस्ट बी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी होना चाहिए, वो एक सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। सबसेट इट मे बी इम्प्रॉपर, इसका मतलब नहीं समझ रहे कि सर आपने तो ये वाला सेट में बोला था कि ये तो इम्प्रॉपर होता है, तो आपने तो इम्प्रॉपर ही लिखा है, तो सबसे प्रॉपर कैसे लेंगे। तो इसका मतलब है कि आप लोग इम्प्रॉपर भी ले सकते हो, प्रॉपर भी ले सकते हो, इट मे बी प्रॉपर इट मे बी इम्प्रॉपर। जैसे ये R1 केस में, यहाँ पे जो हमने किया यहाँ पे R1 केस में वो प्रॉपर हो रहा था, बट R3 केस में वो इम्प्रॉपर हो गया, तो इट मे बी प्रॉपर सबसेट इट मे बी इम्प्रॉपर सबसेट। तो आप लोग उसमें मत जाना कि इसमें तो सर आपने इम्प्रॉपर लिखा है मतलब हमेशा इम्प्रॉपर होगा, इसमें लिखा है मतलब प्रॉपर हो सकता है इम्प्रॉपर हो सकता है। देखो कहीं कहीं पे लिखा रहता है ऐसा लेस देन इक्वल टू, तो इसका मतलब हम क्या पढ़ते हैं लेस देन और इक्वल टू, मतलब लेस देन भी हो सकता है और इक्वल टू भी हो सकता है। यहाँ पे वैसे सबसेट इक्वल टू, सबसेट भी प्रॉपर भी हो सकता है या फिर इम्प्रॉपर भी हो सकता है, कन्फ्यूज नहीं होने का है, ठीक है। दैट्स ऑल बच्चों, आई थिंक कि इतना तक अगर आप लोग समझ गए तो कोई भी रिलेशन अगर आपको आप लोगों का डिफाइन होगा कोई भी एक पर्टिकुलर सेट से तो आप लोग उसको चेक करके देख सकते हो कि वेदर दैट पर्टिकुलर आर और रिलेशन इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी और नॉट। कैसे चेक करेंगे, चेक करना कि वो जो R है वो हमारा A क्रॉस B का सबसेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर वो हो रहा है तो वो आप लोगों का रिलेशन हो जाएगा, अगर वो नहीं हो रहा है तो वो उसका रिलेशन नहीं होगा, ठीक है। दैट्स ऑल बच्चों, ठीक है। आई होप कि इतना तक पूरा अच्छे से कवर हो गया होगा, और अगर कवर हो गया है तो देन पॉज द वीडियो और जितना भी लिखना है थोड़ा सा अच्छे से उसको नोट डाउन कर लो कॉपी में, जो कि आप लोगों को बहुत हेल्प करेगा ड्यूरिंग अ रिविजन, ठीक है बच्चों। देन पॉज द वीडियो एंड जितना भी लिखना है उसको थोड़ा नोट डाउन कर लो। ओके बच्चों, अभी आते हैं कुछ प्रॉपर्टीज में। जितना भी हमने तो पहले ऑर्डर्ड पेयर और कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में बहुत ही अच्छे से पढ़ लिया, फिर हमने रिलेशन के बारे में पढ़ लिया कि एक्चुअली रिलेशन हम कैसे डिफाइन करते हैं, आर को डिफाइन करते हैं। यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज गिवन है अभी, सब ऑर्डर्ड पेयर कार्टेशियन प्रोडक्ट को मिला के कुछ कुछ प्रॉपर्टी गिवन है जो कि हेल्प करता है आप लोगों को कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट में। पहला जो प्रॉपर्टी निकल के आ रहा है,
हम बोल सकते हैं दैट इज योर पहला नंबर प्रॉपर्टी कि टू ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल. दो ऑर्डर्ड पेयर कब इक्वल कहलाएंगे? टू ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ. मतलब कब हम इक्वल बोल सकते हैं? द कॉरेस्पॉन्डिंग corresponding elements are equal. corresponding element मतलब समझना कि उसका पहला एलिमेंट को बिलोंग करना चाहिए. जैसे कि मैंने एक्स वाई लिखा इक्वल टू ए कॉमा बी, दो ऑर्डर पेयर है, कब उसको इक्वल बोलेंगे? जबकि हमारा एक्स ए के साथ इक्वल होगा और वाई जो होगा वो बी के साथ इक्वल होना चाहिए. एक्स इक्वल टू ए होना चाहिए और y इक्वल टू बच्चों कितना होना चाहिए? b होना चाहिए, तभी जाके हम बोलेंगे कि दो ऑर्डर पेयर इक्वल है. और इफ एंड ओनली इफ लिखा है मतलब अगर आपका फर्स्ट एलिमेंट के साथ सेकेंड एलिमेंट के साथ इक्वल है तो हम ऑर्डर पेयर को इक्वल बोलेंगे. और उसको रिवर्स भी कर सकते हैं कि अगर वो इक्वल हुआ तो उसका फर्स्ट एलिमेंट इक्वल टू फर्स्ट सेट, सेकेंड एलिमेंट इक्वल टू सेकेंड सेट. ठीक है, इफ एंड ओनली इफ का मतलब हम उसको आई डबल एफ भी लिखते हैं. ठीक है, आई डबल एफ, ये नोटेशन थोड़ा याद रखना. जहाँ पे आई डबल एफ भी लिखा है उसका मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ. मतलब ए और बी दो स्टेटमेंट अगर है, इफ एंड ओनली इफ का मतलब होता है ए से हम बी को भी, ए को गिवन लेके बी को प्रूव कर सकते हैं, फिर बी को गिवन लेके ए को प्रूव कर सकते हैं. और कहीं कहीं पे खाली इफ लिखा रहता है, दैट इज सिंगल इंप्लाइज, दैट इज ए इंप्लाइज बी. मतलब ए से हम बी को प्रूव कर सकते हैं, बी से ए को प्रूव नहीं कर सकते. ठीक है, दीज आर द मैथमेटिकल नोटेशन जिसको कि आप लोग को याद रखना है. ठीक है, सो दिस इज अवर पॉइंट नंबर वन. फॉर एग्जाम्पल अगर इसका एक एग्जाम्पल अगर ले जाएंगे हम, तो सपोज जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पे एक दिया है बुक में कि x प्लस वन कॉमा वाई प्लस टू, एक्स प्लस वन कॉमा वाई प्लस टू दैट इज इक्वल टू बोला है 3.1, तो फाइंड x एंड y बोला है. ठीक है, तो या इक्वल दे दिया मतलब इक्वल दे दिया ये, और इक्वल दे दिया मतलब हमको क्या पता है कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट शुड बी इक्वल. तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन है? x प्लस वन इक्वल टू 3 हो गया और y प्लस टू इक्वल टू कितना हो गया 1, तो कंपेयर करके लिख दो. तो अगर ये इक्वल है तो अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी x प्लस वन विल बी इक्वल टू 3, देन x विल बी बच्चों कितना 2, 3 माइनस 1 2, तो x का वैल्यू निकल गया. और इसको कंपेयर करेंगे तो कितना हो रहा है y प्लस टू इक्वल टू कितना 1, तो y विल बी हाउ मच 1 माइनस 2 दैट इज माइनस 1. तो x निकल के आ रहा है कितना 2 और y निकल के आ रहा है कितना ये y, हाँ ठीक है 1 माइनस 2. एक्चुअली बुक में यहाँ पे y माइनस 2 था. ठीक है ना, मैं y प्लस 2 लेके कर लिया, तो y प्लस 2 लेके करेंगे तो y प्लस 2 इक्वल टू 1, y विल बी माइनस 1 और x प्लस 1 इक्वल टू 3, देन x विल बी हमारा 3-1 2. आई होप बच्चों ऑर्डर पेयर का इक्वालिटी वाला कॉन्सेप्ट, इसको हम बोलते हैं इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर, ये वाला प्रॉपर्टी को बोलते हैं इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर. सबका क्लियर? ये था हमारा प्रॉपर्टी नंबर 1. ठीक है ना, प्रॉपर्टी नंबर 2 में आता है जो कि बहुत ही कॉन्सेप्ट वाइज अगर हम देखेंगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जा रहा है प्रॉपर्टी नंबर 2. और इसको ध्यान से याद भी रखना आप लोग कि इफ, और मैंने जब ऑर्डर पेयर कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा रहा था, हमें बोला भी था आप लोगों को याद होगा कि नहीं पता नहीं, एन ऑफ ए इक्वल टू सपोज है पी और एन ऑफ बी सपोज है क्यू. ठीक है, दैट इंप्लाइज एन ऑफ ए क्रॉस बी जब हम निकालेंगे तो वो हो जाएगा हमारा पी इंटू क्यू. इसको हमेशा याद रखना, ये वाला प्रॉपर्टी को हमेशा याद रखना. ठीक है, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट इज पी, अगर पी नंबर ऑफ एलिमेंट है ए सेट में और बी सेट में क्यू नंबर ऑफ एलिमेंट है, पी और क्यू दो नंबर है सपोज. ठीक है, तो एन ऑफ ए क्रॉस बी जब हम निकालेंगे तो हमारा पी कॉमा क्यू, पी इंटू क्यू नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल ए सेट में है हमारा 1.2, तभी बता देना चाहिए था मुझे, मैं बोला था ना तब लोग कि एन ऑफ ए क्रॉस बी कितना निकल रहा है, 4 निकला था हमारा, याद आ रहा है. तो अगर हम ए क्रॉस बी निकाल रहे हैं, पहले हम निकाल लेते हैं तो कितना होगा बताओ, 1.3, 1.4, 2.3, 2.4, इतना होता है हमारा ऑर्डर पे ए क्रॉस बी जब हम निकालेंगे. तब जब हम एन ऑफ ए क्रॉस बी निकालते थे कितना एलिमेंट हुआ था, कितना ऑर्डर पेयर बना था हमारा, 4 बना था ना. तो ये 4 कैसे आया चेक करो, ए का एलिमेंट कितना था, अकॉर्डिंग टू दैट प्रॉपर्टी एन ऑफ ए इक्वल टू कितना है 2, क्योंकि दो नंबर एलिमेंट है. एन ऑफ बी इक्वल टू कितना है, वहाँ पे भी वो 2 ही है क्योंकि दो नंबर प्रॉपर्टी है. तो एन ऑफ ए क्रॉस बी जब निकला तो 2 इंटू 2 दैट विल बिकम कितना 4.
तो ये हमने दिखाया कैसे निकला, और दैट इज बाई यूजिंग द फॉर्मूला वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट कि हाउ मेनी एलिमेंट शुड बी देयर. सो ये वाला प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट हो जा रहा है कि अगर ए सेट में पी नंबर ऑफ एलिमेंट है एंड बी सेट में क्यू नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो ए क्रॉस बी में कितना नंबर ऑफ एलिमेंट मिलेगा, पी क्रॉस क्यू नंबर एलिमेंट, दैट इज पी इंटू क्यू जितना भी. सपोज मान लो ए सेट में तीन एलिमेंट है, बी सेट में तीन एलिमेंट है, तो एन ऑफ ए क्रॉस बी में थ्री थ्री या नाइन नंबर ऑफ एलिमेंट्स शुड बी देयर. ठीक है, वैसा करके आप लोग डिफाइन कर सकते हो. दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, वी कैन से प्रॉपर्टी नंबर टू. ठीक है, आई होप बच्चों ये भी सबका क्लियर हो गया होगा. प्रॉपर्टी नंबर थ्री को देखते हैं. प्रॉपर्टी नंबर थ्री क्या डिफाइन कर रहा है, इफ ए और बी कोई भी सेट, बच्चों अगर ए और बी कोई भी सेट है, कि इन्फाइनाइट सेट हो रहा है, इन्फाइनाइट सेट हो रहा है, ठीक है ना, ए और बी सेट, ए हो सकता है या फिर बी हो सकता है, कोई भी इन्फाइनाइट सेट हो रहा है, दैट इंप्लाइज ए क्रॉस बी भी हमारा क्या हो जाएगा, इन्फाइनाइट सेट हो जाएगा. ध्यान से सोचो, आप लोग सोच के देखो. फॉर एग्जाम्पल ए सेट मैंने बोला 1, 2, 3, सपोज ए सेट हमारा 1, 2, 3 है, जो कि एक फाइनाइट सेट है. ठीक है, बी सेट है कि हम इन्फाइनाइट सेट डिफाइन कर रहे हैं, 1, 2, 3 कॉमा डॉट डॉट डॉट, तीन तो डॉट देते हैं, डॉट डॉट डॉट, इन्फाइनाइट सेट, सेट थ्योरी, इन्फाइनाइट मैंने ले लिया. ठीक है, तो जब हम बच्चों यहाँ पे ए क्रॉस बी निकालेंगे, तो देखो ए क्रॉस बी का फंडा क्या है कि वन के साथ सबका एलिमेंट, टू के साथ सब, जब हम आप लोग सोचो कि वन के साथ आप पहला एलिमेंट कौन होगा, वन वन होगा, फिर कौन होगा, 1, 2 होगा, फिर कौन होगा, 1, 3, कितना तक जाओगे आप लोग, आप लोगों को पता है क्या कितना तक जाओगे, तो ये तो पता नहीं है कितना तक जाओगे, फिर 2 को करना है, 2, 1 करेंगे फिर ऐसे चलेगा, 3, 1 करेंगे ये भी चलेगा, कितना तक चलेगा लेकिन मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे नहीं पता कि लास्ट नंबर कितना तक जाएगा, तो ये चलता ही रहेगा. दैट्स वाई अगर ए और बी में से कोई भी एक सेट इन्फाइनाइट हो रहा है, तो ए क्रॉस बी भी हमारा क्या हो जाएगा, इन्फाइनाइट हो जाएगा. दैट इज योर प्रॉपर्टी नंबर 3. आई होप सबको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा ये वाला प्रॉपर्टी में. समझ में आना बच्चों, ए बी से कोई भी अगर इन्फाइनाइट ले रहे, तो ए क्रॉस बी भी ऑब्वियसली इन्फाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि मुझे पता नहीं कि इन्फाइनाइट कितना तक चलता है. ठीक है, तो वो चलता ही रहेगा. सो इज दैट वेरी मच क्लियर. प्रॉपर्टी नंबर 3 ऑल्सो कंप्लीटेड. ठीक है ना, बस और एक प्रॉपर्टी बाकी रह गया, उसको कंप्लीट करते हैं, फिर हमारा क्लास फॉर्म एंड करेंगे. डन बच्चों, अगर इतना तक कंप्लीट हो गया देन पॉज द वीडियो, और जितना भी लिखना है उसको थोड़ा अच्छे से नोट डाउन कर लो. ओके बच्चों, प्रॉपर्टी नंबर 4 में आते हैं. एक होता है ऑर्डर ट्रिपलेट. जैसे ऑर्डर पेयर हमने पढ़ा, वैसे हम पढ़ेंगे क्या, ऑर्डर ट्रिपलेट. ये ज़्यादा मतलब यूज नहीं होता, बस जानने के लिए हमको दिया गया है. ऑर्डर पेयर में क्या होता है ना, दो सेट को हम डिफाइन कर रहे थे. ऑर्डर ट्रिपलेट में क्या होना, सेम सेट का तीन सेट डिफाइन करना पड़ेगा. तो इसका मतलब क्या है, वो हमको कैसे रिटर्न करेगा, ए कॉमा बी कॉमा सी रिटर्न करेगा. जैसे ए क्रॉस बी में हमको, ए क्रॉस ए में हमको ए बी बस रिटर्न कर रहा था, जहां पे कि यहां पे लिखेंगे सच दैट ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू ए होना चाहिए. ए क्रॉस है ऑर्डर ट्रिपलेट. तो हियर ये जो ए बी सी है, ए बी सी है, ये जो निकलेगा इज कॉल्ड ऑर्डर ट्रिपलेट. ऑर्डर पेयर में जैसे हमारा बच्चों क्या होता था, और ये एक्चुअली सेट फॉर्मेट में लिखा है. ऑर्डर पेयर में हम कैसे लिखते थे, अगर ए क्रॉस ए हम करते थे, वो मुझे क्या रिटर्न करता था, ए कॉमा बी देके करता था. जहाँ पे कि हम बोलते थे ए कॉमा बी देके करता था, जहाँ पे कि हम बोलते थे कि ए बिलोंग्स टू ए और बी बिलोंग्स टू ए, क्योंकि हम ए से ए को ही डिफाइन करें, तो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए ही होगा. ठीक है, सर सेट. तो ये होता है ऑर्डर पेयर का हमारा जो डेफिनेशन. ऑर्डर ट्रिपलेट का क्या होगा ना, तीन एलिमेंट. अगर ऑर्डर पेयर में दो एलिमेंट दे रहे हैं, ऑर्डर ट्रिपलेट में क्या होगा, तीन एलिमेंट देगा. तो सपोज मान लो अगर हम लिखे, उसका फॉर्मेट क्या हो जाएगा, सिर्फ ए कॉमा बी कॉमा सी. अगर तीन सेट हमने डिफाइन किया है, तो ए बिलोंग्स टू फर्स्ट सेट होना चाहिए, दैट इज ए. सपोज तीन सेट को हम डिफाइन किए, मैंने यहाँ पे सिंगल सेट मतलब ए से ए को ही डिफाइन किया था, बट अगर हम अलग अलग सेट को डिफाइन कर रहे हैं, तो तीन सेट अगर है ए बी सी, अगर तीन सेट है ए कॉमा बी कॉमा सी, तो ऑर्डर ट्रिपलेट का कॉन्सेप्ट क्या है, ए मस्ट बी बिलोंग्स टू फर्स्ट सेट दैट इज ए, बी मस्ट बी बिलोंग्स टू सेकंड सेट दैट इज बी, एंड सी मस्ट बी बिलोंग्स टू थर्ड सेट दैट इज सी बिलोंग्स टू कैपिटल सी होना चाहिए, तभी जाके हम ये ऑर्डर ट्रिपलेट को डिफाइन कर सकते हैं. इज दैट क्लियर बच्चों. ये हमने सिंगल सेट में डिफाइन किया था, ए से ए तक ही डिफाइन किया था, तीनों सेट मैंने ए ही लिया था, दैट्स व्हाई मैंने लिखा कि ए बी सी बिलोंग्स टू ए होना चाहिए. बट अगर हम तीनों अलग अलग सेट डिफाइन करेंगे, तो पहला सेट बिलोंग्स टू पहला सेट होना चाहिए, दूसरा सेट बिलोंग्स टू दूसरा सेट होना चाहिए, दूसरा एलिमेंट सॉरी फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग्स टू फर्स्ट सेट,
second element belongs to second set, and third element must be belongs to third set. Then only you can say that it is an ordered triplet from these three sets. Clear? ठीक है बच्चों. और a क्रॉस a को डिफाइन करने के लिए कैसे निकालेंगे, अगर मानो एक a दिया होगा, a क्रॉस a को डिफाइन करना होगा, तो एक साथ तो नहीं कर सकते. तो पहले एनी टू को a क्रॉस a करेंगे, फिर उसको इसके साथ डिफाइन करेंगे. ठीक है, ऐसा ये होता है कॉन्सेप्ट. आप लोग ट्राई करना, एक एग्जांपल दिया है बुक में, खुद से ट्राई करने का ट्राई करना. अगर नहीं हुआ तो मैं बता दूंगा. a क्रॉस a मतलब पहले हमको a क्रॉस a निकालना है, ये हमारा ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर करके इसको निकालना है. ओपी मैंने लिखा ऑर्डर्ड पेयर, इसका निकालने के बाद इसके साथ करना है. ठीक है, तो ऐसे करके आप लोग उसको ऑर्डर ट्रिपलेट को डिफाइन कर सकते हैं. आई होप बच्चों सबका क्लियर हो गया होगा अभी. ठीक है, मैं करके एक दिखा देता हूँ, क्यों और इतना पढ़े तो और क्यों छोड़ेंगे. आई होप इतना तक अगर कवर हो गया, देन पॉज द वीडियो, नोटेड डाउन कि जितना भी लिखना है. ठीक है, उसका मैं एक छोटा सा एक एग्जाम्पल करके आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ कि कैसे हो रहा है ऑर्डर ट्रिपलेट वाला कॉन्सेप्ट, ताकि कन्फ्यूजन नहीं होगा आप लोगों को. फॉर एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, बड़ा नहीं लेते. जैसे कि सपोज ए मानो, मैंने ए से ए को ही डिफाइन कर रहा हूँ, तो ए कॉमा टू ले लिया, तो फाइंड बोला है ए क्रॉस ए, सेम सेट को ही डिफाइन करने बोला है ए क्रॉस ए, क्योंकि इसका ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है हमारे इलेवेंथ में, तो वो बस दिया है नॉर्मली. तो मैंने बोला आप लोगों को जब ए क्रॉस ए डिफाइन करेंगे, क्योंकि ए क्रॉस ए देगा तो हम डिफाइन कर सकते हैं, बट यहाँ पे तीन दे दिया, तो मैंने क्या बोला एनी टू सेट्स को पहले लेंगे. ठीक है, मैंने पहले ए क्रॉस ए को ले लिया, तो ए क्रॉस ए कितना होगा बच्चों, देखो ऑर्डर पेयर निकालेंगे तो 1,2 को ही डिफाइन करेगा, तो पहले 1,1 होगा, फिर 1,2 होगा, फिर 2 को लेंगे तो 2,1 होगा और 2,2 होगा. ठीक है, उसके साथ किसको करेंगे, ए को, ए फिर से क्या है, एक 1,2 ही है ना, ये वाला समझ में आया. तो ए क्रॉस ए, ए को ए के साथ ही डिफाइन करेंगे, ए 1,2 था और एक अगर लेंगे 1,2 ही होगा, तो 1,1,1,2,2,1,2,2, ये हो गया ए क्रॉस ए इंटू ए क्रॉस उसके साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे. तो उसके साथ जब कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो पहला एलिमेंट कौन है, 1,1 है यहाँ पे, तो उसका 1, तो 1,1,1 पहले आएगा. ठीक है, फिर 1,1,1,2 आ जाएगा, मतलब 1,1 यहाँ पे लेंगे, इसका 2 लेंगे. ठीक है, तो ये हो गया ऑर्डर ट्रिपलेट. इसका काम खत्म, ये काम खत्म. फिर इसमें आते हैं 1,2 है, 1,2 का पहला एलिमेंट है 1, फिर 1,2 का सेकंड एलिमेंट कौन है 1,2,2, तो इसका काम भी खत्म. समझ में आ रहा है ना बच्चों. पहले हमने क्या किया, पहले हमने 1,1 को 1 के साथ किया, फिर 1,1 को 2 के साथ, तो 1,1,1,1,1,2, फिर 1,2 को 1 के साथ, 1,2 को 2 के साथ, तो 1,2,1,1,2,2, फिर अभी 2,1 को करेंगे, 2,1 को जब करेंगे कितना लिखेंगे देखो, 2,1 पहले 1 आएगा, 2,1 के साथ 1, फिर 2,1 के साथ कितना 2, मतलब 2,1 के साथ 2, फिर ये भी हो गया, फिर 2,2 को करेंगे लास्ट में, तो 2,2 के साथ पहले लेंगे 1, फिर 2,2 को सेकंड में लाएंगे 2. ठीक है, तो ऐसे हो गया आप लोगों का 8 एलिमेंट. ठीक है, एंड दैट इज योर नथिंग बट योर ए क्रॉस ए क्रॉस ए. तो कहीं पे अगर ए क्रॉस ए अगर ऑर्डर ट्रिपलेट आप लोगों को डिफाइन करने बोला होगा, तो पहले एनी टू सेट्स को लेंगे, फिर वो सेट का ऑर्डर पेयर निकालने के बाद उसको थर्ड सेट के साथ ओपी करेंगे. पहले इसका ओपी करेंगे, ऑर्डर पेयर निकालेंगे, फिर इसका ऑर्डर पेयर निकालेंगे, या फिर ये ऑर्डर ट्रिपलेट हो जाएगा, क्योंकि जब हम पेयर को एक के साथ करेंगे वो ओटी हो जाएगा, ओपी ओटी. ठीक है, ऑर्डर पेयर एंड ऑर्डर ट्रिपलेट. आई होप बच्चों सबको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा अभी. तो दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों. तो जितना भी लिखना है थोड़ा पॉज कर दो एंड लिख लो. सो दैट्स ऑल फॉर योर कॉन्टेंट नंबर 1 ऑफ योर रिलेशन एंड फंक्शन. आई होप कि जितना भी कॉन्सेप्ट आज का कवर हुआ बहुत ही अच्छे से कवर हो गया होगा. देन पॉज द वीडियो एंड जितना भी लिखना है उसको थोड़ा नोट डाउन कर लो. दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स. तो आई होप कि जितना भी आज बच्चे अब हम लोगों ने पढ़ा बहुत ही अच्छे से, हम हर कोई कॉन्सेप्ट को डिफाइन किया. पहले हमने ऑर्डर पेयर पढ़ा, फिर हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा. ये दो टर्म पढ़ेंगे तभी जाके हम रिलेशन डिफाइन कर पाए कि आर को हम कब रिलेशन बोलते हैं, कि वो एक सबसेट होना चाहिए क्रॉस बी का. फिर हमने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ा, चार्ट प्रॉपर्टीज पढ़ा, फिर हमने ऑर्डर ट्रिपलेट के बारे में पढ़ा. सो दिस इज ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन टू रिलेशन. बस ये इंट्रोडक्शन पार्ट था. इन द नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस अबाउट सम ऑफ द प्रॉपर्टीज एंड सम ऑफ द टाइप्स ऑफ रिलेशन. तो आई होप कि जितना भी आज का कॉन्सेप्ट पढ़ाई हुआ सबको बहुत ही अच्छे से कवर हो गया होगा. तो अगर कवर नहीं हुआ है तो और एक बार रिवाइंड करके आप लोग क्लास को देख सकते हो, ताकि क्लियर कट आइडिया आ जाएगा आप लोगों को इंट्रोडक्शन टू रिलेशन में क्या था, क्या कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा और उसको कैसे हम एग्जीक्यूट करेंगे नेक्स्ट क्लासेस में. ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में और एक नया कॉन्सेप्ट लेकर रिलेशन फंक्शन का. टिल देन टेक केयर ऑल ऑफ यू, स्टे सेफ, स्टे ट्यून्ड. जय जय माता दी.